नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आज जुतिया के पावन पर्व पर बोकारो से एक दुखद घटना सामने आई है। आपको बता दें, छोटे पुल में नहाने के दौरान एक 10 साल का बालक बह गया है। वहीं काफी देर खोजने के बाद भी बच्चा नहीं मिल पाया है। आज जीतिया के पावन पर्व पर एक दुखद घटना जो कि बोकारो से सामने आई है। सेक्टर 12 के छोटे पुल पर नहाने के दौरान एक 10 से 12 वर्ष का बालक पानी में बह गया। इसके बाद आसपास के लोगों को खबर हुई। आसपास के ग्रामीण गोताखोरों ने काफी खोजने का प्रयत्न किया लेकिन मिल नहीं सका। उसके बाद सेक्टर 12 के गोताखोरों को स्थानीय मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार के द्वारा बुलाया गया और वही गोताखोरों ने बच्चे के शव को कुछ देर में आसपास से निकाल लिया। मौके पर बोकारो BDO साहब विनोद कुमार और स्थानीय ग्रामीणवासी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चे का नाम ओम कुमार बताया, जो यहां अपने दादा के साथ सेक्टर 12 में रहता था। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। HBN न्यूज की ओर से चार संवाददाता। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सेक्टर 12 डी के छोटे पुल में हूँ, जहाँ पे आज जीते का पावन पर्व में सभी अपने घर में हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे थे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक दुखद समाचार सुना रहा हूँ। यहाँ के स्थानीय निवासी दिलीबाग का एक 10 से 12 वर्षीय बच्चा नहाने के क्रम में बह गया, जिसको 3-4 घंटे बाद यहाँ के स्थानीय गोताखोरों द्वारा उसको मृत शरीर को निकाला गया है। डूब गया है, जिसको हम लोग खोजने की कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह 6 बजे की घटना। कहाँ का लड़का है? व्यवस्था यही है कि कुछ गोताखोर लोकल जो मछुआरे टाइप के हैं, उन लड़कों को यहाँ पर उतारेंगे, है ना। वो अपना प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर आगे के हम लोग अब सोचेंगे, आगे कोई हायर ये से बात करते हैं। अगर ये लोग सफल हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो आगे एक्सपर्ट को बुलाएंगे।